के भी लोग होते हैं, उनको हम इस तरह से अपने आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट में लोगों के दरमियान में, लेकिन हमारा इसमें एक मकसद था, वो मकसद हम आपके सामने अभी बयान करेंगे। एजुकेशन के हवाले से हमने ये बच्चे जो हैं इनका एक हमारा सीज़न होता है जो यहाँ पर एजुकेशन ईयर शुरू हो रहा होता, तो हमने अभी पिछले साल तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए से 22,000 बच्चों को स्कूल कोर्स फराहम किया है। आलमगीर इंस्टीट्यूट एक इंजीनियरिंग हमने एक इदारा कायम किया है मेहरान टाउन तुरंगी के अंदर, जहाँ गुज़िश्ता 2 साल से हम बच्चों को टेक्निकल तालीम दे रहे हैं, मसलन कंप्यूटर की तालीम है और मुख्तलिफ के शोबे हैं, चाइनीज़ लैंग्वेज है और बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको हमने स्टार्ट कर दिया है और अब तक तकरीबन 200 से 250 बच्चे हम पासिंग आउट वहाँ से करें। यही जो बातें जब आपकी इंफरादी सोच, इंफरादी जज्बा और आगही जब इदारे की रंग ढालती है और इदारे का रूप लेती है, तो आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट जैसे लोग, यानी शकील देवी साहब जैसे लोग, रिहान साहब जैसे लोग और शमीम साहब जैसे लोग जो हैं, वो आपकी जिंदगियों को बेहतर बनाने में मुंसलिक रहते हैं। आज आप जैसे बारिश लोगों के साथ मैं मौजूद हूँ और मुझे मुसलसल अपना माजी याद आ रहा है। आज मैं आप जैसे लोगों को जब देखता हूँ बच्चों, तो मुझे याद आता है तुम्हारे जितने अच्छे यूनिफॉर्म है मेरे वैसे यूनिफॉर्म भी नहीं। जज्बा है, शऊर है, आगही है, तो हम सब चीज़ बदल देंगे। और आज देखिए ये वजह है कि हम 32% गुर्बत की नीचे रह रहे हैं लोग हमारे पास, और गुर्बत का जो इंडिकेटर बनाया है आलमी सतह पे, उसमें ये 2 बहुत बड़े एलिमेंट है जो आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट जिस पे काम कर रहा है, और वो है सेहत और तालीम के। आज मैं आपसे एक बात ऐलान करता हूँ, मैं रहूँगा रोहिंग्रा यूनिवर्सिटी में, मैं आपको आई विल राइट ऑन अ लेटर टू ऑल ऑफ यू कि जिसको आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट कहेगा और जो कुछ जो बच्चा मेरिट पर इकरा की पूरी उतर रहा होगा, तो हम कम से कम उसको जिस शोबे में भी उसका दाखिला हुआ हो, खा वो BBA में हो, खा वो MBA में हो, खा वो इंजीनियरिंग में हो, खा वो मीडिया साइंस में हो, खा वो फैशन डिज़ाइन में हो, हम उसको मुफ्त तालीम देंगे। उसको रिकमेंड करेगा।